विराट कोहली ने क्यों मांगी माफी? किससे सरेआम कोहली ने मांगी माफी? शतक जड़ने के बाद विराट की माफी क्यों वायरल? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुरुवार को खेले गए भारत बनाम बांग्लादेश मैच में विराट कोहली ने नाबाद 103 रनों की पारी की। उन्होंने छक्का जड़कर विश्व कप में चौथी जीत भारत को दिलाई। बांग्लादेश को 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर पुराना हिसाब भी बराबर कर दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने विरोधी टीम पर पूरे समय दबदबा बनाए रखा, फिर चाहे बात बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की। लेकिन टीम इंडिया की जीत से ज्यादा चर्चा विराट कोहली को लेकर है, जिसमें उनकी गेंदबाजी हो या धुआंधार बल्लेबाजी। लेकिन अब कोहली की माफी भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दरअसल कोहली ने शानदार शतक जड़ने के बाद स्टार ऑलराउंडर रवीन जडेजा से माफी मांगी। माफी क्यों मांगी है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप पहले मैच के सबसे बड़े हाईलाइट रहे विराट कोहली की शतकीय पारी को भी सुन लीजिए। दरअसल विराट कोहली ने एक तरफा मैच में अपने शतक की बदौलत मैच को बेहद रोमांचक बना दिया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि विराट कोहली अपने शतक से चूक जाएंगे, लेकिन कोहली ने एक के बाद एक समझदारी भरे शॉट्स खेलकर सेंचुरी भी पूरी कर ली। जैसे ही सेंचुरी पूरी हुई मैदान में शोर का गूंज, रन मशीन को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया और यहीं से शुरू हुई विराट कोहली की माफी की कहानी। दरअसल विराट कोहली के शतक से पहले मैन ऑफ द मैच अवार्ड के हकदार स्टार ऑलराउंडर रवीन जडेजा थे, क्योंकि जडेजा ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और 2 अहम विकेट लेकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। शतक के बाद जब विराट कोहली अवार्ड लेने पहुंचे तो उन्होंने जडेजा से इसके लिए माफी मांगी। हालांकि ये भी सच है कि विराट कोहली के शतक की बदौलत ही टीम इंडिया ने 227 रनों का लक्ष्य महज 41.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। लेकिन मैच के बाद किंग विराट कोहली ने अपनी स्पीच में कहा कि जड्डू इसे लेने के लिए माफी चाहूंगा, मैं एक बड़ा योगदान देना चाहता था, मैंने विश्व कप में कुछ अर्धशतक बनाए लेकिन वास्तव में मैं उन्हें बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। मैं बस इस बार खेल खत्म करना चाहता था और अंत तक टिके रहना चाहता था, जो मैंने टीम के लिए कई वर्षों से किया। मैंने सुमन से कहा था कि अगर आप इस स्थिति के बारे में सपने देख रहे हैं तो आप बस सो जाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये वास्तविक है। ये शुरुआत मेरे लिए सपने की तरह थी। पहली 4 गेंदे 2 फ्रेक, 1 छक्का और 1 चौका, यह आपको शांत रखता है और पारी में ले जाता है। विराट ने सब कुछ स्पष्ट कहा, लेकिन इस दिग्गज बल्लेबाज ने जिस तरह से रवीन जडेजा से माफी मांगी, अब उसकी चर्चा जोरों से हो रही है। आपको किंग कोहली का ये अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे साथ आप मैच का वो लास्ट मोमेंट भी शेयर करें जब विराट कोहली ने छक्का जड़कर भारत को चौथी जीत दिलाई। और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।